कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको कि YouTube पर कंटेंट डालते समय क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरीके का कंटेंट डालने चाहिए जिससे कि आए हमारे व्यूज ज़्यादा से ज़्यादा आए और सब्सक्राइबर भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो दोस्तों देखो, फ्रॉड करती और फैक्ट से बचना, क्योंकि ज़्यादातर वायरल पे क्या हो रहा है, वायरल के नाम पे क्या है तुम्हारे साथ में फैक्ट न्यूज़ फैलाई जा रही है कि एक मिनट में या एक घंटे में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इतने शॉर्ट्स पे बढ़ रहे हैं। ठीक, मैं बताता हूँ देखो किस तरीके से आपको क्या है सब्सक्राइबर बढ़ाने और किस तरीके से क्या है आपको अपने व्यूज बढ़ाने हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, देखो मैं अपना चैनल खोलता हूँ, मेरा स्टडी चैनल है, मैं स्टडी की वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं किस तरीके से वीडियो बनाता हूँ, किस तरीके से चैनल ग्रो होता है, देखो ये मेरा है Y2 Studio। ठीक है, यहाँ हमने Y2 Studio खोल दिया है। Y2 Studio में देखो मेरे अभी कोई ज़्यादा वो नहीं है, 237 सब्सक्राइबर है, मुझे एक महीना हुआ वीडियो बनाते हुए। ठीक है, एक महीने के अंदर मैंने 237 सब्सक्राइबर क्या है कमा लिए, मेरे टोटल जो व्यूज़ है 1.6K व्यूज़ है, मतलब 1600 के आसपास मेरे व्यूज़ है। ठीक है ना, जो टोटल व्यूज़ है। ठीक है, ये मेरी एक वीडियो जो मैंने सुबह डाली थी करंट अफेयर्स की। ठीक है, इसमें क्या है हमारे 28 व्यूज़ है। ठीक है, देखो ये ऊपर कुछ हो रहा है, मतलब क्या है ग्रो कर रहा है। ठीक है, बढ़िया चल रहा है मतलब। ठीक है, इसका जो इंप्रेशन क्लिक थॉट रेट है वो कितना है 6%। ठीक है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना है 4:55। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या है ग्रो कर रहा है। तो ये मेरे कल की वीडियो, इस पर कितने 40 व्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये भी क्या ग्रो कर रहा है, जो ग्रीन हो रहा है। ठीक है ना, अब देखो मैं आपको देखो एक एक वीडियो का वो दिखाता हूँ अपना किस तरीके से क्या है ग्रो करता है। यहाँ पर क्या है ये रहा। ठीक है, मैं देखता हूँ 20 दिसंबर, आज है 20 दिसंबर की वीडियो में का मैं आपको वो दिखाता हूँ। 28 व्यूज है, वॉच टाइम 2.2 आवर्स क्या है वॉच टाइम है। ठीक है, और इससे क्या है मेरा एक सब्सक्राइबर भी आज बढ़ा है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना कि व्यूज जो है ना वो हमेशा ऐसे ही बढ़ते हैं और सब्सक्राइबर भी हमेशा ऐसे ही बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ी स्टडी की वीडियो बनाते हो तो ठीक है, स्टडी की बना लो आप, कोई वैसा बना लो तो शुरू में देखो इंप्रेशन यही रहेगा आपका। मैं कुछ झूठ नहीं बोलने वाला, बिल्कुल क्लियर बताता हूँ, मैं एक एक चीज़ प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, कंटेंट डालते समय हमेशा ध्यान रखना कि हमें कंटेंट एक ही लेंथ में डालना है। अगर हम 5 मिनट का कंटेंट डाल रहे हैं तो 5 मिनट का डालो, अगर कोई शॉर्ट बना रहा है तो शॉर्ट ही बनाता रहे। ठीक है, लेकिन शॉर्ट से कुछ फायदा नहीं होने वाला, मैंने ये देखा है। ठीक है, बस लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए होता है कि वायरल हो गया और वो हो गया। ठीक है, जो शॉर्ट देखने वाला वो शॉर्ट ही देखेगा, लोग सोचते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा जुड़ जाएंगे और व्यूज भी ज़्यादा आ जाएंगे और फिर मैं क्या थोड़ी लेंथी वीडियो डालना शुरू कर दूंगा जिससे क्या है मेरे जो वॉच टाइम है वो बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो शॉर्ट देखने वाला वो तो शॉर्ट ही देखेगा, आप शॉर्ट के नाम पे क्या है लोग बग्गू ऐड कर लो, उसके बाद में अपनी 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो डाल दो, उसके लिए वो कोई काम की नहीं, तुरंत स्किप कर देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो कंटेंट डाल रहे हो वो रेगुलरिटी के साथ डालो। ठीक है, रेगुलर हमें कंटेंट डालना और कंटेंट भी हमेशा एक लेंथ में डालना। अगर आप 5 मिनट की वीडियो डाल रहे हो या तो स्टडी की हो, कुछ भी वीडियो डाल रहे हो, ठीक है, वो 5 मिनट की रेगुलर 5 मिनट की डालो। ठीक है, 5 से 6 मिनट की हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप उस वीडियो को 5 मिनट से ज़्यादा, मतलब 20 मिनट 25 मिनट तक की डाल रहे हो तो लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, और हमेशा सब्सक्राइबर ऐसे को जोड़ो जिसे जरूरत हो। ठीक है, अपने आप किसी का मोबाइल सब्सक्राइबर मत जोड़ो। ठीक है, कि उसका मोबाइल लिया और सब्सक्राइब कर दिया, उस तरीके से कि आपका यूट्यूब का जो आपका वो है जो यूट्यूब पर आपका बिहेवियर है बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोग बागों को क्या है, जो तुम खम मौका के सब्सक्राइबर जोड़ोगे वे उनके किसी के यूज़ की वीडियो होगी नहीं और वो क्या करेंगे उस वीडियो को तुरंत स्किप कर देख लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा कंटेंट में ध्यान रखना, और सबसे बड़ी बात है कंटेंट पे ध्यान होना चाहिए, बहुत ज़रूरी कि कंटेंट में हमारे दम होना बहुत जरूरी है। कंटेंट में दम नहीं होगा तो वीडियो तुम्हारी ग्रो नहीं करने की। ठीक है, तो कंटेंट जरूर ऐसा होना चाहिए कि दम होना चाहिए कंटेंट में हमारा। अगर हम टीचिंग की बनाते हैं तो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और कंटेंट भी जो है अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक है वे उठाकर अपनी वीडियो में डालने चाहिए आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की कंटेंट के ऊपर। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, ठीक है, तो कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाई जाए कि ताकि क्या है आप उसके द्वारा कुछ नई चीज़ को पता लगे और आप अपने चैनल को किस तरीके से ग्रो करोगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और दोस्तों हमारे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए क्या है, डिस्क्रिप्शन में क्या है हमारी ऐप है। ठीक है, उस ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारा जो स्टडी चैनल है आप उसको भी लाइक कर उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपके काम की आप वाकई में टीचर आप स्टूडेंट है तो आप क्या आपको क्या उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, दोनों चैनल को।